आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले की पिपलोदा जनपद की नौलखा ग्राम पंचायत के भवन में सहायक सचिव द्वारा एक महिला को लाकर उसके साथ प्रेमालाप करने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने भवन पर बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहायक सचिव और महिला को बाहर निकाला। तब ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सहायक सचिव के साथ मारपीट का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे तैसे उसे बचाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। इससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और सहायक सचिव मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। पथराव में पुलिस वाहन के कांच टूट गए। पुलिस को रविवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि ग्राम पंचायत नौलखा के ग्राम पंचायत भवन में सहायक सचिव आरोपी रामचंद्र माली एक महिला के साथ भवन के अंदर मौजूद है। ग्रामीणों ने भवन पर ताला लगा दिया। दल ने वहां पहुंचकर सहायक सचिव और महिला को बाहर निकाला तो आक्रोशित ग्रामीणों ने सचिव के साथ मारपीट करने का प्रयास किया। पुलिस ने सहायक सचिव को बचाने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। भीड़ से बचाने के प्रयास में मौका पाकर आरोपी सहायक सचिव वहां से भाग निकला। आरोपित सहायक सचिव रामचंद्र माली और महिला के खिलाफ पीटा एक्ट की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं पुलिस वाहन पर पथराव करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353 आदि के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण भी दर्ज किया गया। सुखेड़ा पुलिस चौकी के प्रभारी रघुवीर जोशी ने बताया, दिनांक 4/9/22 को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम पंचायत नौलखा भवन में ग्राम पंचायत सह सचिव रामचंद्र माली किसी महिला को लेकर गया है और जिससे क्या है ग्रामीण द्वारा आक्रोशित होकर बाहर से ताला लगा दिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, यहाँ रामचंद्र माली मौके से फरार हो गया और महिला जो थी उसको सुरक्षार्थ ले जाने थाने पुलिस द्वारा सुरक्षार्थ ले जाने के दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया जिसमें मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। इसमें पीटा एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जो पथराव किया है उनके ऊपर धारा 353 के तहत कार्रवाई की गई है। कुल अभी तक 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मामला पंजीबद्ध किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और बढ़ने की संभावना है। इसमें सर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं या इनकी धरपकड़ जारी है? अभी आरोपी फरार है, इनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। शहर में तेजी से बढ़ती चोरी की वारदातों से पुलिस कथित तौर पर बेखबर रहती है क्योंकि पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम है। लेकिन पुलिस अपराधियों पर अपना भय बनाने के लिए समय समय पर फ्लैग मार्च जरूर निकाल लेती है। अनंत चतुर्दशी सहित आने वाले त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सोमवार की रात शहर में मार्च किया। पुलिस नियंत्रण कक्ष से निकले फ्लैग मार्च में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी भी शरीक रहे। पुलिस वाहनों के गूंजते हूटर के साथ शहर की सड़कों पर पुलिस का मार्च निकाला गया। पुलिस ने वाहनों के अलावा पुलिस कप्तान के साथ बदल मार्च कर शहर की पड़ताल की। जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी की गई। पुलिस का ये फ्लैग मार्च प्रमुख मार्गों से गुजरा। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, मार्च निकाला सर किस तरीके का फ्लैग मार्च था, सर किस लिए निकला? रतलाम शहर में जो अभी त्यौहार चल रहे हैं गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है उसमें पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए साथ ही जिससे कि पूरे जिले में पूरे शहर में शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाया जा सके पुलिस का एक फ्लैग मार्च निकाला गया था। ये आने वाले दिनों में लगातार पुलिस सक्रियता से पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी। साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व हैं या ऐसे तत्व हैं जो कहीं किसी तरह की शांति भंग कर सकते हैं उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। उनको थाने बुलाकर उनका डोजर भी भराया जा रहा है। उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि किसी भी तरह के असामाजिक गतिविधि में संलिप्त होने पर या फिर किसी भी तरह की अशांति फैलाने वाली गतिविधि में रहने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ वाहन चेकिंग भी करी गई सर उसके दौरान? जी हाँ, लगातार हमारा एक अभियान है कि यातायात को सुधारा जाए। इसके चलते हम लोगों ने 3-4 चौराहों पर कुछ पुलिस बल बढ़ाया है, यातायात की व्यवस्था बढ़ाई गई है। कल रात में मेरे द्वारा स्वयं ये महसूस किया गया कि बड़े लोडिंग वाहन जो हैं समय से पहले ही बाजार क्षेत्र में आ गए थे और शहर में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े हुए थे। कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया था, कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी देखने में आया जैसे कि कुछ चौराहे हैं जैसा कि श्रीराम मंदिर के पास में देखा जाता है कि वहाँ जाम लगता है, या गणेश देवरी में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कई बार बहुत सारा दुकान से बाहर आके भी लोग उसमें अपना सामान रख लेते हैं जिस कारण से यातायात प्रभावित होता है। उसमें मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करेगी और यदि इसमें स्थानीय जो लोग हैं वो उनसे अपील भी करता हूं कि सहयोग करें। जो लोग इसमें बाधा तत्काल उसके बाद भी उत्पन्न करेंगे तो वैधानिक कार्रवाई। ये खबर खुश कर देने वाली है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द प्रस्तावित गोल्ड कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हो सकता है। नगर निगम के सामने गांधी उद्यान के पास वाली सरकारी जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मंगलवार को पटवारी ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर रखी गुमटियों दुकानों की नपती की। गोल्ड कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं, अब सीमांकन कर काम शुरू किया जा सकेगा।
पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी ने बताया। किस तरीके का निरीक्षण चला रहा है, किस तरीके के निशान लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की जांच चली जा रही है? ये आज रिडेंसिफिकेशन प्लान के अंतर्गत आज हम जैन ज्वेलरी पार्क का सीमांकन कर रहे हैं, क्योंकि इसका टेंडर हो चुका है और जल्दी काम शुरू होगा, इसीलिए अभी इसका सीमांकन किया जा रहा है। सर, कितनी दुकान अतिक्रमण हो रहा है, जांच कर रहे, उसके बाद आपको बताऊंगा। अवैध कार्यों में लिप्त और जुवारियों और सटोरियों के खिलाफ निर्माण तोड़ने की प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को प्रशासनिक अमले ने स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के सनावत रेलवे ब्रिज के पास आरोपी इसरार के खेत पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया। दो दिन पहले पुलिस ने इस मकान पर दबिश देकर जुआ खेलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है उक्त मकान पर जुआ घर संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद आरोपियों के अवैध निर्माण की जानकारी निकाली गई। इसरार के खेत पर बगैर अनुमति के मकान बना हुआ पाया गया। मंगलवार को जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में दल बुलडोजर लेकर पहुंचा। करीब एक घंटे तक मकान तोड़ने की कार्रवाई चली। क्षेत्र में इस दौरान पुलिस बल भी तैनात हुआ। लगभग कितने का था? पाल थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को हुई 5.5 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया। लूट करने वाले दोनों आरोपी बांसवाड़ा के निकले। इन दोनों आरोपियों की उम्र 22 साल और 24 साल है। आरोपियों से लूटी गई राशि में से करीब 4.5 लाख रुपए और लूट में उपयोग की गई बाइक भी बरामद कर ली गई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 8 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर कोर्ट से लिया। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने नए पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया को बताया, इतनी बड़ी वारदात को आलोट SDOP शाबेरा अंसारी और ताल पुलिस थाना प्रभारी नागेश यादव की टीम ने कम समय में सुलझा लिया। वारदात की गंभीरता को देखते आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया था, जो टीम को दिया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी दीपक पिता अमरलाल ग्राम बाघाकोट कल्याण कॉलोनी बांसवाड़ा, जयंती लाल पिता खुमान निनामा निवासी ग्राम सोमा थाना बांसवाड़ा। इनमें से दीपक का ताल थाने के माधोपुर में ससुराल है और वो आता जाता रहता था। इसी दौरान लूट की वारदात के लिए उसने अपने साथी को बुलाया था। दीपक पर 4 और जयंती लाल पर बांसवाड़ा में 2 केस पूर्व से पंजीकृत है। लूट के मामले में कोई सुराग नहीं था, फिर भी पुलिस ने CCTV कैमरे और साइबर सेल की मदद से गुत्थी को सुलझा लिया। SP ने बताया, दो आरोपी एक बाइक से संदिग्ध हालात में जाते हुए दिखाई दिए थे। उन्हें पहचान करने के बाद गिरफ्तार किया तो लूट का राज खुल गया। ये हमारे लिए भी थोड़ा सा आश्चर्य का विषय था और इसमें बात ये लिंक ये निकल गया है कि ये जो दीपक बागरी है, इसका ससुराल ताल थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उस कारण से इसका आना जाना वहाँ था। और हम लोग इस एंगल पे भी काम कर रहे हैं कि संभवतः हो सकता है कि किसी लोकली किसी व्यक्ति का या अन्य किसी व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अभी तक की विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस एंगल पे भी गहनता से हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पारिवारिक जो यहाँ से लिंकेजेज है वो इस्टेब्लिश हुए हैं और आना जाना उसका उस कारण से था। अपने साथ ये जयंती लाल को इसी उद्देश्य से यहाँ लेकर आया था। तेजा दशमी पर्व पर नामली में वीर तेजाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है। तेजाजी महाराज का पूजन कर अखाड़े का प्रदर्शन होता है। अखाड़े के पहलवानों की कला देखने बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचते हैं। हनुमान व्यायामशाला नामली द्वारा आयोजित अखाड़े में जवाहर व्यायामशाला रतलाम के पहलवानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जवाहर व्यायामशाला के मलखम कला के पारखी जितेंद्र सिंह राणावत की टीम ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। बच्चों के मलखम प्रदर्शन को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इस मौके पर जवाहर व्यायामशाला से मयंक जाट, वैभव जाट, गौरव जाट, ईश्वर बाबा लक्की जाट, हनुमान व्यायामशाला नामली के मुकेश जाट सहित अखाड़े के सदस्य उपस्थित थे।
विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के 10 दिवसीय उत्सव में हर रात आरती के आयोजन हो रहे हैं। सोमवार की रात दीनदयाल नगर में गणेश उत्सव में हुई आरती में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट उपस्थित रहे। टाटा नगर में विनायक ग्रुप द्वारा मनाए जा रहे उत्सव में रहवासियों ने मयंक जाट के आतिथ्य में गजानंद की आरती की। धीरज शाह नगर में गणेश उत्सव समिति ने मयंक जाट की उपस्थिति में आरती कर उत्सव मनाया। इधर नया गांव क्षेत्र में मयंक जाट की उपस्थिति में रामदेव जी बाबा की आरती की गई। शिक्षक दिवस के मौके पर अभिनेता अजय देवगन के NY सिनेमाज ने शहर के स्कूल और इंस्टीट्यूट के अध्यापकों को शिक्षक दिवस और उनके सम्मान में सिनेमा मैनेजमेंट द्वारा फिल्म दिखाई गई। शिक्षकों ने अपने सम्मान में कार्तिकेय फिल्म देखकर शिक्षक दिवस मनाया। Today we have gathered here to celebrate Teachers Day in pursuit to honor teachers for their guidance us to help us to succeed in our path. Today we celebrate your selflessness, your care, your warmth. Today we celebrate you. Thank you. Enjoy your movie. आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।